नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रिया धीर। रुक कर दे दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। गृह मंत्री अमित शाह बोले, CAA कभी वापस नहीं लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव में पंजाब की 13 में से 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बेंगलुरु में ज्वेलरी शॉप लूटने की कोशिश, फायरिंग में 2 लोग जख्मी, हमलावर फरार। दिल्ली के CM केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के समन को सेशन कोर्ट में दी चुनौती। CAA पर बयान के बाद CM केजरीवाल के घर के बाहर हिंदू शरणार्थियों का प्रदर्शन। अधीर रंजन चौधरी बोले, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से मैं सहमत नहीं। CM केजरीवाल बोले, पाकिस्तान बांग्लादेश से लोग लाकर बसाना चाहती है BJP, उनके लिए नौकरियां कहां से आएंगी। हरियाणा के चंडीगढ़ में JJP की बड़ी बैठक, सभी जिला अध्यक्षों को बुलाया। एक देश एक चुनाव पर कोविंद समिति ने राष्ट्रपति को सौंपी रिपोर्ट। महाराष्ट्र में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल अस्पताल में भर्ती, सीने में संक्रमण और बुखार की शिकायत। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति के अमेठी स्थित आवास पर ED का छापा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहें न्यूज इंडिया से।